हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है यहाँ पर? आपको क्या है, जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज गिवन है, और इसको आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इनको सिर्फ सिंपली समझना है और उसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 times अ नंबर m प्लस 7। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 3 times मतलब, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, सो 3 times ऑफ m प्लस 7, ये आपकी कन्वर्ट हो गई इक्वेशन में। बात करें b की, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 times अ नंबर, लेट द नंबर इज, b मैंने क्या मान लिया, b है। ठीक है, सो 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 times ऑफ अ नंबर, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, 3 times मतलब 3b-8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि बात करें सी की, 4 times ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 6, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर 4 times 4y+6, मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर इज y। एंड बात करें डी की, 3/4, अब 3/4 का मतलब 3/4, आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है, ऑफ अ नंबर प्लस 5, सो 3/4 ऑफ अ नंबर, अब इसका ऑफ अ नंबर मतलब वो नंबर मैंने y मान लिया अगेन, और प्लस 5, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ठीक है, और सिंपली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3/4y+5। अब देखिए, ये होते हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इनकी वेरी की वैल्यू जो क्या है, वेरी करती है। ठीक है, हो सकता है आपकी आंसर शीट के अंदर यहाँ एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिखा हो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही है। ठीक है, अब सिंपली आपको मैच करने हैं, ये तो आप बिल्कुल देख के मैच कर सकते हैं। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए कौन सी इक्वेशन में 8 सब्ट्रैक्टेड है, ये सेकंड में, तो सेकंड विल बी आंसर। ठीक है, ए की बात करें तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड। बात करें बी की, 4 times द सम ऑफ वाई, देखिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, 4 times द सम ऑफ वाई एंड 5। ठीक है, देखिए 4 times वाई एंड 5 इज इक्वल टू 10, ये हो गया इसका आंसर, फोर्थ। ठीक है, बात करते हैं अपने सी की, तो सी के अंदर देखिए, 1/4 ऑफ एक्स इज 4 more than 9, देखिए एक्स का 1/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, सो इसके लिए हो गया आपका फर्स्ट। एंड फाइनली बात करें अपने डी की, तो डी में देखिए, टेकिंग अवे 7 फ्रॉम 7 times वाई गिव्स 12। ठीक है, सिंपली अगर आप देखेंगे तो आपके पास लास्ट एक यही बच गया है, थर्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड अ नंबर इज 39, सो लेट द नंबर इज वाई, सो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 13y इज इक्वल टू 39, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बात करें बी की, द क्वोशेंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 इज 30, तो मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर इज जेड। ठीक है, जेड मान लिया, सो जेड में अगर मैं 5 में डिवाइड करता हूं 5 का, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 30 आता है, तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। बात करते हैं सी की, द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस का मतलब 3 times अ नंबर एंड 8 इज 10। ठीक है, सो लेट द नंबर इज वाई, ठीक है, नंबर क्या है मेरे पास, वाई है। अब वाई का थ्राइस मतलब 3 times ऑफ वाई, इसका डिफरेंस किसके साथ, 8 के साथ, अगर मैं इसमें से 8 माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, सो 3y-8 इज इक्वल टू 10 इज योर आंसर। बात करें डी पार्ट की, 2/3 का मतलब 2/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू 5 गिव्स 18। ठीक है, सो लेट द नंबर इज x, क्या मान लिया,
एट नहीं एक्स मानना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, टू थर्ड ऑफ एक्स मतलब 2/3 x, इसमें ऐड क्या करना है 5, करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 18, ठीक है। सिंपली आपको फॉलो करना है जो भी आपको यहां पर स्टेटमेंट दी है, इसको फॉलो कीजिए, आपकी जो इक्वेशन है फॉर्म हो जाएगी। 6 added to 3 times ऑफ अ नंबर, ठीक है। किसी नंबर में अगर मैंने वही मान लिया, लेट द नंबर इज वाई, ठीक है, 3 times ऑफ नंबर मतलब 3y, उसमें ऐड क्या करना है 6, तो आपके पास क्या आएगा 12, दिस इज योर इक्वेशन। एंड फाइनली एफ की बात करें, 8 times अ नंबर डिक्रीज बाय मतलब माइनस करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 28। अब 8 time ऑफ वाई -4 इज इक्वल टू 28, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिंपली आपको जो लैंग्वेज है उसको फॉलो करना है तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म एन इक्वेशन फॉर गिवन सॉल्यूशंस और सिचुएशंस। आपको ये सिचुएशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, गुंजन्स मदर इज 36 ईयर ओल्ड, जो गुंजन की मदर है उसकी एज कितनी है 36 ईयर ओल्ड, एंड शी इज 3 ईयर ओल्डर देन थ्राइस द गुंजन एज। सो मैंने क्या मान लिया, लेट गुंजन्स एज इज जी, मैंने जी मान लिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, थ्राइस ऑफ गुंजन से मतलब 3g माइनस, ठीक है, एंड 3 ईयर्स ओल्डर मतलब माइनस नहीं, यहां पर प्लस होगा, ठीक है, इससे भी 3 साल ज्यादा, इज इक्वल टू गुंजन मदर एज जो कि कितनी है हमारे पास 36, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्या किया, क्या गुंजन की एज की थ्राइस से भी 3 साल ज्यादा थी, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं बी की, राम्स फादर एज इज 5 ईयर्स लेस देन 4 times राम्स एज, राम्स फादर इज 35 ईयर्स, ठीक है। सो मैंने क्या मान लिया, लेट राम्स एज इज आर, ठीक है, मैंने क्या मान लिया आर। तो यहां पर अब क्या बोल रहा है, राम की एज का 4 times, ठीक है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई, और उससे भी क्या है 5 ईयर लेस, लेस का मतलब -5। तो यहां पर देखिए 4r-5 इज इक्वल टू राम्स फादर एज जो कि कितनी है 35, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए सी की, अतुल हैज 5 pencils लेस देन थ्राइस द पेंसिल राहुल हैज, सो अतुल हैज 16 pencils। सो यहां पर देखिए, लेट राहुल हैज पी पेंसिल्स, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, राहुल के पास कितनी है पी पेंसिल है। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, कितना है थ्राइस द राहुल हैज राहुल पेंसिल मतलब 3p-5 इज इक्वल टू 16, ठीक है, थ्राइस में से 5 माइनस किया तो आपके पास कितनी पेंसिल आ रही है 16 pencil, विच इज इक्वल टू अतुल्स पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फाइनली इसका पार्ट डी, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 18 cm। सबके पहले आपको पता क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास 2 × length + width, ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे क्या दिया उन्हें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस टू द इट्स बेथ, ठीक है, सो लेंथ एल इज इक्वल टू 2b, ठीक है, ये इनका रिलेशन हो गया। अब यहां से देखिए आपको पैरामीटर, इनकी जो पैरामीटर गिवन है कितना है 18 गिवन है, तो हम यहां पर लिख देंगे देखिए 2 × L की जगह अपने पुट कर देते हैं 2b+b इज इक्वल टू 18, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, सिंपली आप जो आपकी उसके अंदर सॉल्यूशन गिवन है वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको करवा भी देता हूं। देखिए क्या है, अब यहां पर है 12, n है देखिए एक नंबर, और इसमें 12 ऐड करने पर आपके पास क्या आ रहा है 27, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 12 added to a number गिव्स
27, ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। बात करते हैं बी की। अब यहां पर देखिए क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहां पर इक्वेशन को हमने क्या करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर देखिए क्या है, अब यहां पर आप सिंपली लिख सकते हैं थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर प्लस 15 इज इक्वल टू 60, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर एडेड टू 15 गिव्स 60, ठीक है। सी की बात करें तो देखिए यहां पर 5x में से 5 माइनस करने पर इसी नंबर का, देखिए ये नंबर क्या है, x है, ये भी क्या है, x है, मतलब 5x 5 टाइम्स में से एक नंबर 5 माइनस करने पर उसी नंबर का आपके पास क्या आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर इट गिव्स या फिर इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है। पहले तो 5 टाइम्स था, उसमें से 5 माइनस करने पर ये हमारे पास क्या आ गया, उसी नंबर का 4 टाइम्स आ गया। डी की बात करें तो देखिए 1/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा पहले, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/4 ऑफ अ, या फिर 1/4 आप इसको लिख सकते हैं 1/4 ऑफ अ नंबर गिव्स 7, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए नंबर, यहां पर 1/4 क्या है, m बाय 4, 1/4 हो गया m का, इसमें से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद e फाइनली, ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, देखिए क्या है, अब 10 में से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, 2/3 ऑफ ए z, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2/3 of a number subtracted from 10 gives minus 6, ठीक है, सिंपली आपको ये लिखना है। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।